कि कल रात मैनू हरियाणा के जो संयुक्त मोर्चे के लीडर है गुरनाम सिंह चरूनी जी, उन्होंने मैं रात फोन आया सी कि उत्थे संगत बहुत है तो लंगर की सेवा का उत्थे इंतजाम हो जाए। तो मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी तो धामी साहब इतने बैठे हैं, दोनों की मैं ड्यूटी लाई है कि जल्दी तो जल्दी पानी तो लंगर का प्रबंध करनाल जिथे संघर्ष चल रहा उत्थे इंतजाम किया जाए। तो राती मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को यह विश्वास दवाया सी कि असी पहले ही जड़ा ये मन बनाया हुआ ट्वीट पढ़ के कि असी उत्थे सेवा करनी है, तुसी चिंता ना करो, क्योंकि साहबन ही है श्रोमणी अकाली दल भी उन्होंने बड़िया कुरबानिया तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होना चाहती सी, तो पंथक जमात होने करके उन्होंने मन में भी उही दर्द होंगे जोड़ा असी महसूस करते हैं कि अज मानवता से जो भीड़ पड़ी है तो आप रल के सामभिए। रात फिर तकरीबन 11:30 के करीब मैं तीन मैनेजर तीन गुरुद्वारे जोड़े व्डे हैं उन्होंने ड्यूटी लाई। इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी परमात्मा जाने, वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे को ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं? संयुक्त किसान मोर्चे के आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने आख्या कि उन्होंने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे नाल करनाल मोर्चे ते लंगर संबंधी कोई भी गलबात नहीं हुई है। चडूनी ने कहा कि गुरुद्वारा साहिबान वालों लंगर की सेवा पहला भी चलती रही है ते हुण भी चल रही है, पर सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने करनाल मोर्चे ते लंगर नूं लैके कोई गलबात नहीं की है। तुहानूं दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल ने हुशियारपुर च बयान दिता सी कि गुरनाम सिंह चडूनी ने उन्होंने लंगर नूं लैके फोन किया सी, जिस तों बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर वालों भी अमृतसर च प्रैस कॉन्फ्रेंस सद के बकायदा तौर पर सुखबीर सिंह बादल का इसे गल का हवाला दिता गया। उधर गुरनाम सिंह चडूनी ने अपने एक संबोधन दे सुखबीर सिंह बादल नूं इसे मुद्दे ते घेरिया है ते पुछया है कि उन्होंने इस पिछे की मकसद है, वह खुद ही दस सकते हैं। लंगर बना के पचाया, सवेरे चाय पचाई, बिस्कुट पचाए और पता नहीं क्या क्या पचाया, बहुत सेवा कर रहे हैं हम, अति आभारी हैं, लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी परमात्मा जाने, मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे को ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहां पे आया, वहां के जो हेड है वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवाद दिए, आभारी, आप कहां नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों मेरा साफ तौर पे कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन लें,
वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उससे को बात की है ना मेरी उनसे बात हुई है। वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं। बहुत हाँ, एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे। ਜਿਹੇ ਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਡੂਨੀ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।